साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं एनसीआर एक्सप्रेस न्यूज़ पर देखें आज की खबरें। थाना नॉलेज पार्क पर पुलिस कमिश्नर के निर्देशानुसार व डीसीपी महिला सुरक्षा के नेतृत्व में गौतम बुद्ध नगर पुलिस एवं शारदा यूनिवर्सिटी के समन्वय से स्थापित FDRC के एक वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। अखिल भारतीय राष्ट्रीय स्नातक संघ के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष बने महेंद्र सिंह नागर। ग्रेटर नोएडा के बोड़ाकी के रहने वाले सुबोध भाटी को जतन सुखबीर प्रधान शिक्षा समिति के सदस्यों ने उनके निवास डेल्टा वन पहुंचकर गुलदस्ता व पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया। इस मौके पर राजकुमार भाटी भी मौजूद रहे। इसके अलावा सेक्टर 49 नोएडा पुलिस द्वारा घर से चोरी करने वाले नौकर सहित दो अभियुक्त गिरफ्तार किए, जिसके कब्जे से चोरी किए गए लगभग 30 लाख रुपए और सियाज कार, स्कूटी व कागज बरामद किए गए। बिलासपुर कस्बा जो ग्रेटर नोएडा में है, वहाँ बारिश के लिए लोगों ने मीठा शरबत बांटा और लोगों ने आज जुमे की नमाज में भी बारिश के लिए दुआएं मांगी। गर्मी से राहत के लिए लोगों ने दुआ मांगी। इसके अलावा अपर पुलिस आयुक्त मुख्यालय अपराध पुष्पांजलि देवी द्वारा यातायात पुलिसकर्मियों के साथ सम्मेलन आयोजित कर पुलिसकर्मियों की समस्याओं का किया गया निराकरण व निस्तारण। व इसके अलावा दनकौर पुलिस जो जागरूक पुलिस है, वीकेंड कर्फ्यू से पहले सड़क पर उतरे दनकौर कोतवाल और लोगों से अपील की कि सोशल डिस्टेंस का पालन किया जाए और जो लोग मास्क लगाए हों उन्हें ही सामान दिया जाए। आप देख सकते हैं दनकौर कोतवाल खुद बाजार में उतरकर लोगों से अपील करते नजर आ रहे हैं। ग्रेटर नोएडा के घंगोला निवासी ईश्वर पहलवान जो लखावटी से निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख चुने गए हैं, वह जब अपने क्षेत्र में पहुंचे तो उनका सैकड़ों लोगों ने स्वागत किया। इसके अलावा सोशल मीडिया पर हज़ारों लोग उन्हें बधाई देते नज़र आ रहे हैं। निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख चुने गए हैं ईश्वर पहलवान। हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।